Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of durood salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise number 1.6, SSC 1, and question number 1, 7th part is 2x minus 2y is equal to 4, and minus 5x minus 2y is equal to minus 10, and we have to find the value of x and y by using matrices inversion method and by using Cramer's rule. So students, first we will convert these equations into the form of matrix. And students, you know very well that the coefficient of both the variables are written in the matrix and given the name as matrix A. सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों equations को matrix की form में लिखेंगे और जो variables के sequence में variables लिखने के बाद उनके coefficient को हम एक matrix में लिखेंगे तो वो आएगा 2, माइनस 2, माइनस 5 और माइनस 2, यानी कि x और y के जो coefficient हैं हम वो एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में बच्चों कॉलम की फॉर्म में ये वेरिएबल लिखे जाएंगे एक्स और वाई, और इक्वल के बाद ये जो दोनों के आंसर आ रहे हैं या दोनों के इक्वल आ रहे हैं नंबर 4 और माइनस 10, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बच्चों अगर मैं इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, और सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो बेटे हमने इसमें कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की, हमने जस्ट इसकी फॉर्म चेंज की है क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करना है। अब ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको नेम देंगे हम ए का, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है बच्चों इसको नेम देंगे हम एक्स का, और इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है इसको हम नेम बी देंगे। आप इसको अपनी मर्जी से भी नेमिंग आप इसकी कर सकते हैं। क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो जो मैट्रिक्स ए एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है जब हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो बच्चों ये इनवर्स बनेगा, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए इनवर्स इनटू बी, और आपको पता है कि मैट्रिक्स में इनवर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का वो इक्वल होता है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और आगे बच्चों बी इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आ जाएगा बी, और ये इक्वल है एक्स के। इस इक्वेशन को नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो मैट्रिक्स बी हमारे पास है एज इट इज, मैट्रिक्स एक्स भी है, हमें मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट चाहिए और मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट चाहिए। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बच्चों हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, तो मैट्रिक्स ए लेकर उसके गिर्द भी हम स्ट्रेट लाइन जो है वो यूज करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये इंडिकेट कर रही हैं कि हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब बच्चों जब डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है तो हम फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 × -2, यानी कि मैंने फर्स्ट और लास्ट एंट्री को मल्टीप्लाई किया माइनस -2 × -5। तो यह आएगा बच्चों ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी ये जब 2 − 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -4। स्टूडेंट्स जब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा प्लस, और जब प्लस से इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा माइनस, एंड 2 × 5 = 10, और हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है 14। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट आपको पता है कि जब फाइंड किया जाता है तो हम फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब है कि हम माइनस टू की जगह 2 लिखेंगे और 2 की जगह -2 लिखेंगे, यानी कि इन दोनों एंट्रीज को रिप्लेस किया जाता है और इन दोनों एंट्रीज के साइन चेंज किए जाते हैं। दोबारा सुने बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस का मतलब है कि एक को दूसरे की जगह पर लिख देना। सेकेंड और थर्ड एंट्री के हम साइन चेंज करेंगे, तो जब हम एडजॉइंट लेंगे बच्चों तो जो फोर्थ एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री बनेगी, और जो फर्स्ट एंट्री है वो फोर्थ एंट्री बनेगी, और सेकंड और थर्ड एंट्री के हम साइन चेंज करेंगे। तो बच्चों ये सेकंड और थर्ड एंट्री दोनों नेगेटिव हैं, तो जब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब बच्चों हमारे पास एक्स मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू भी है एक्स वाई, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, एडजॉइंट ए फाइंड किया, बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज। और आप बच्चों हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है,
तो हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि नंबर वन में हमें वैल्यूज पुट करनी है, इसके आगे हमें ये भी लिखना चाहिए था पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। तो वन में पहले था एक्स और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू थी एक्स वाई इज इक्वल टू वन ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -14 इंटू एडजाइंट ए, और एडजाइंट ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स -2, 2, 5 एंड 2। और मैट्रिक्स बी था हमारे पास बच्चों, मैट्रिक्स बी की वैल्यू थी हमारे पास 4 और -10। ये मैं कंफर्म करता हूँ। तो बच्चों मैं मैट्रिक्स बी की हमारे पास वैल्यू थी 4 और -10। अब स्टूडेंट्स हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। बेहतर हमारे लिए ये है कि मैं पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ और बाद में 14 -14 से मैं उनको डिवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो एक्स की इक्वल होगी और सेकेंड एंट्री y की इक्वल होगी। तो हम इसको लिखेंगे 1 over -14 into -2। आपको पता है कि मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एंट्री के साथ और दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों प्रोडक्ट के दरमियान हम प्लस का साइन यूज करेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो बच्चों दोनों प्रोडक्ट के दरमियान हम माइनस का साइन यूज करते हैं, लेकिन जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इन दोनों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो यह अगर -2 × 4 + 2 × -10, यानी कि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यह आएगा 5 × 4 + 2 × -10। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 over -14 × -+ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -8, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -20, और स्टूडेंट्स नीचे आएगा 5 × 4 = 20, प्लस और माइनस -2 × 10 = 20। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 over -14 × ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस करके हम साथ में माइनस लिखेंगे, ये एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0। अब ये -14 दोनों को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा -28 over -14, और स्टूडेंट्स 0 over -14। और अब जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होकर ये आएगा 2 और 0, और बच्चों ये इक्वल लेफ्ट साइड पर किसके आ रहा है, एक्स और वाई के। जब स्टूडेंट्स हमने एक ही स्टेप में आगे इसको सॉल्व करना हो तो हम ये इक्वल का साइन लगाकर आगे एरो यूज करते हैं, तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है 2 और वाई की वैल्यू आ रही है 0। तो इसके नीचे यानी कि इसके नीचे आपने लिखना है एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, और क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्स और वाई का जो फार्मूला है वो मैं अभी आपको लेकर बताता हूँ, और अभी मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ क्रैमर रूल की हेल्प से। हाँ जी बच्चों, क्रैमर रूल क्या है, तो उसमें जो एक्स की वैल्यू होती है वो बच्चों होती है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जो वाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये होती है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू है -14। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बच्चों जब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हम एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, बल्कि एक्स के कोएफिशिएंट की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे और उसकी वैल्यू है 4 और -10, और वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे और वाई के कोएफिशिएंट है -2 और -2, और ये स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। और डिटर्मिनेंट लेना आपको ऑलरेडी आता है कि हम फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4 × -2 − 2 − 2 और थर्ड एंट्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4 × 2 = -8, −++ + −2 × 20। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो आया है बच्चों हमारे पास -28। अब हमने फाइंड करना है ए वाई डिटर्मिनेंट, और जब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो बच्चों वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि उसकी जगह मैट्रिक्स बी लिखा जाएगा और एक्स के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे, और एक्स के कोएफिशिएंट है स्टूडेंट्स 2 और -5, और मैट्रिक्स बी है हमारे पास
4 और माइनस 10 और इसका हमने फाइंड करना है डिटरमिनेंट। तो हम फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 10 माइनस 4 इंटू माइनस 5 और ये आ जाएगा बच्चों 10 टू जार माइनस 20, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 5 4 जार 20 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब नीचे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है माइनस 28 ओवर ए डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू है माइनस 14 माइनस माइनस से कैंसिल होगा 14 वन जार 14 14 टू जार 28 तो x की वैल्यू आई है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 और जो y है उसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट है 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी माइनस 14 तो 0 को जब हम माइनस 14 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम एंड हैव अ गुड डे।